ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो पहले आपको किसी भी एक नंबर सिस्टम से आपको बाइनरी में कन्वर्जन आना चाहिए। ओके, मेरा एक स्पेसिफिक वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल और बाइनरी से ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर भी एक बार मैं एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ यहाँ पे। जैसे कोई भी अगर नंबर दिया है ऑक्टल में 5, 3, 2, अगर ये ऑक्टल में इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो जितना डिजिट है ना उसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हम 3 बिट्स के पेयर में लिखते हैं बाइनरी में। तो 5 है तो इसका क्या हो जाएगा 101, 3 का क्या हो जाएगा 011 और 2 का हो जाएगा 010। 5 के लिए 101 आप ये टेबल रेफर कर सकते हो, बस रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ लिख रखा है। 3 के लिए 011 एंड 2 के लिए 010। तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अगर एक दूसरा नंबर दिया गया है AFC, अगर ये हेक्साडेसिमल में दिया है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लिख देंगे। तो ये A का वैल्यू 10 होता है तो 8010, देन F का 111 और C का कितना होता है 12 होता है तो 8 8 8 4 0 0। तो यहाँ पर मैंने A के लिए क्या लिख दिया 1010, F के लिए लिख दिया 4 times 1 एंड देन C के लिए 1100। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करना है तो सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो क्या करना है कि किसी भी नंबर सिस्टम को आप पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो और फिर बाइनरी से जो भी आपका टारगेट नंबर सिस्टम है उसमें कन्वर्ट कर लो। आप जो इंटरमीडिएटरी नंबर सिस्टम है डेसिमल भी यूज़ कर सकते हो लेकिन वो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर आप बाइनरी यूज़ करते हो तो बहुत ही ईजी रहेगा। एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर जैसे 247 दिया है। ओके, ये ऑक्टल में दिया है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और देन उसके बाद हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे जो 2 है तो इसको हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल के लिए हम ये रेफर करेंगे और हेक्साडेसिमल के लिए ये यूज करेंगे। इवन यहाँ पे आप देख सकते हो टिल 7 यहाँ पे सेम यूज हुआ है टिल 7 यहाँ पे, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा 0 एडेड है। तो कभी भी अगर आप हेक्साडेसिमल यूज कर रहे हो ना तो ध्यान रखो कि हमेशा 4 बिट्स ही यूज करना है, कभी भी 3 बिट्स यूज नहीं करने, उससे कंफ्यूजन आ सकती है चाहे वो 1 या 2 ही क्यों ना हो। ओके, तो अब यहाँ पे 247 है तो 2 के लिए जो ऑक्टल में जो वैल्यू होगा 010 होगा, 4 के लिए 100 होगा, 7 के लिए 111 होगा। तो ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो हमने इंटरमीडिएट टर्म चेंज कर दिया, अब इस बाइनरी को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने वो टेबल रेफर किया और यहाँ पे अब क्या है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम 4 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 4 का पेयर हो गया तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और यहाँ पे 1, 2, 4 और यहाँ पे 1, 2, 4, 8, ये 10 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी कि A7 हो गया हमारा ये हेक्साडेसिमल में। ओके, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 752 ये ऑक्टल में है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे तो इसका 7 का 111, 5 का 101, 2 का 010। अब ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, इसको हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे 4 का पेयर बनाएंगे यहाँ पे। तो अब इसका जो वैल्यू हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 के लिए A लिखते हैं, इसका जो वैल्यू हो जाएगा कितना 1, ये 13 14, 2 4 8 14 हो जाएगा, 14 के लिए E लिखते हैं और E के 1 के लिए 1 ही रह जाएगा तो 1EA ये हेक्साडेसिमल में आ गया। यहाँ पे देखोगे ना A के लिए तो 1010, E के लिए 110 और यहाँ पे 1 है तो 1, तो ये इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सेम अगर दिया है, अगर आपको हेक्साडेसिमल में दिया है और उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, जैसे हेक्साडेसिमल में आपका दिया है 3AF और ये हेक्साडेसिमल में दिया है और इसको आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, सबसे पहले इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि 3 के लिए हम ये वाला यूज नहीं करेंगे, हम ये यूज करेंगे क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में हम हमेशा 4 बिट्स यूज करते हैं तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। तो 0011 A के लिए 8010 एंड F के लिए 1111। ओके, अब ये हमारा बन गया बाइनरी आ गया है। ओके, अब इसको हम दोबारा से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है 3 बिट्स का, अब ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 बिट्स का हम पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3,
यहाँ पे थ्री, यहाँ पे थ्री, और इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, सेवन हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, वन हो जाएगा। जीरो जीरो वन वहाँ पे आप देख सकते हो, वन वन जीरो यहाँ पे होगा, वन जीरो वन यहाँ पे है, और वन 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 सेवन, तो वन सिक्स फाइव सेवन, ये आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो ये इतना इजी है, मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया। अभी एक दो और एग्जांपल ले लेता हूँ, अदरवाइज अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। ए एफ वन टू हेक्साडेसिमल में है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे ए जो है इसको हम लिखेंगे बाइनरी में, वन जीरो वन जीरो, एफ के लिए वन वन वन, वन के लिए जीरो जीरो वन जीरो वन, फोर पेयर में होगा, एंड देन टू के लिए जीरो जीरो वन जीरो। अब ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, इसको हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, तो थ्री का पेयर बनाएंगे, थ्री का, ओके, एंड देन थ्री का, तो ये क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, ये भी टू हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा, ये सेवन हो जाएगा, और ये टू हो जाएगा, ये वन होगा। यानी कि यहाँ पे हमने क्या किया, ऑक्टल में बनाया, तो ये जीरो वन जीरो वहाँ पे रेफर कर सकते हो, टू जीरो वन जीरो टू, देन वन जीरो जीरो फोर, एंड देन वन 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 सेवन, देन जीरो वन जीरो टू यहाँ पे, एंड देन वन, तो ये हमारा आ गया ऑक्टल में। तो यानी कि इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसी को, हम फिर दोबारा से ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे नंबर दिया है वन टू सेवन फोर टू टू, ये अगर ऑक्टल में दिया है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अभी क्या करेंगे, ये ऑक्टल में है तो इसको फिर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए थ्री का, थ्री बिट्स का पेयर लिखेंगे, जीरो जीरो वन, टू के लिए जीरो वन जीरो, सेवन के लिए वन वन वन, फोर के लिए जीरो, फोर के लिए वन जीरो जीरो, एंड देन टू के लिए जीरो वन जीरो, टू के लिए जीरो वन जीरो। तो हमारा बाइनरी नंबर है ये सेम आएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि फोर का पेयर बनाएंगे, क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल में जाना है, ओके। तो यहाँ पे फोर का पेयर बनाया, यहाँ पे भी फोर का पेयर बनाया, यहाँ पे भी फोर का, यहाँ पे भी फोर का, तो अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू हो जाएगी टू हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू है वन हो जाएगी, इसकी जो वैल्यू है फिफ्टीन हो जाएगी, देन इसकी जो वैल्यू है टेन हो जाएगी, ओके। तो टेन के लिए हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, फिफ्टीन के लिए एफ लिखते हैं, इसके लिए वन टू, ए एफ वन टू, तो ये हमारा फिर से दोबारा से हमारा हेक्साडेसिमल में आ गया। तो ये इतना इजी है, मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गया। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कंफ्यूजन है। अगर बाकी अगर आपको बाइनरी से डेसिमल या फिर बाइनरी टू ऑक्टल में अगर कुछ कंफ्यूजन है, तो मेरे बाकी जो वीडियोज़ हैं उसमें आप देख सकते हो, इतने आसानी तरीके से मैंने बाकी नंबर सिस्टम भी कन्वर्ट करने का एक्सप्लेन करा है। तो आई होप कि वो हेल्प करे।